मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर 25 से 35 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायक को खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल खड़ा हो गया है। तो वहीं कमलनाथ सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार बनी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, मगर कमलनाथ सरकार को कभी अपनी ही पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कभी भाजपा के नेता, तो कभी उन्हीं की सरकार में विधायक पांची लाल मेडा हीरा लाल अलावा बयानबाजी कर कई बार कमलनाथ सरकार की नींद उड़ाते रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं होने की वजह से भाजपा के नेता भी हमेशा जोड़ तोड़ का गणित हल करने में लगी रहती है। पहले भी भाजपा के नेताओं द्वारा फ्लोर टेस्ट करवाया गया था, मगर अपने गणित में फेल हो गई। एक बार फिर भाजपा पर दिग्विजय सिंह ने एक एक विधायक को 35 करोड़ में खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भाजपा ने 15 सालों में प्रदेश को लूटा है और अब इस पैसे से विधायकों को खरीदने का काम करने में लगी है, मगर वह अपने इस सपने में कामयाब नहीं होगी और ऐसी ओछी राजनीति से प्रदेश में उसका पूरा सफाया हो जाएगा। देखिए भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा की है खास रिपोर्ट। और खबरें जो आ रही हैं बहुत सी मीडिया से कि बीजेपी 35 करोड़ रुपए विधायकों को दे रही है, सुन ली दिग्विजय सिंह जी का भी खुलासा किया है। ये एक्चुअली ये है कि 15 लाख जो उन्होंने कहा था कि हर एक नागरिक के अकाउंट डालेंगे, वो 15 लाख तो दिए नहीं, लेकिन खरीद फरोख्त में 35 करोड़ रुपए ये लोगों को देने को तैयार, विधायकों को। ये विधायकों का भी अपमान है और जनता 7.5 करोड़ जिन्होंने उनको चुना है उनका भी अपमान है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसके लिए इनकी कोई पहल नहीं है। इनकी पहल केवल यह है कि खरीद फरोख्त कैसे करें और कमलनाथ जी की सरकार कैसे अस्थिर करें। लेकिन मैं कह देता हूँ कि जब जब इन्होंने इस तरह की कोशिश की है, बीजेपी के कई विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन किया है, जब विधानसभा में मामला आया था और डिवीजन में 2 बीजेपी के विधायक हमारे साथ आ गए थे, और अब जब भी कोई स्थिति बनेगी तो और आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कमलनाथ जी एक बहुत अच्छा काम है। और 3 मिनट में निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर को देखें तो यहाँ मेट्रो आई है उनके नेतृत्व में, आईफा आईटा हो रहा है, किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली 100 रुपये मिल रही है, 300 रुपये से 600 रुपये वृद्धा पेंशन और तमाम तरह के। आज भोपाल से पूरे हिंदुस्तान में फ्लाइट जा रही, पहले केवल बम्बई और दिल्ली जाती थी, इंदौर से दुबई जाने लगी, भोपाल से भी इंटरनेशनल बढ़ रहा है, उद्योग आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन सब से परेशान होकर उनका ये सरकार अगर लगातार चलती रही तो बीजेपी का सफाया मध्य प्रदेश से परमानेंट हो जाएगा। तो उसके उपाय करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने कमाए हैं 15 साल में, जो भ्रष्टाचार किया है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, उसके माध्यम से जो पैसा कमाया है वो मार्केट में फेंक रहे हैं, केवल लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार को अस्थिर करने के लिए। लेकिन एक भी विधायक कोई इधर उधर होगा नहीं और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो राम भाई को जो अपनी तरफ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, समर्थन कांग्रेस को दिया है। राम भाई का कल एक वहाँ उनके पथरिया में एक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने हमको इनवाइट किया है। मैं जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी जी वहाँ पथरिया में जाएंगे। राम भाई है, यथावत है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। आपने कहा 4-5 और आएंगे जब भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर मेरी खास रिपोर्ट। आज जनसंपर्क मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार के जो विधायक है, कांग्रेस के सरकार विधायक है, उनके संपर्क में भाजपा के कई बड़े नेता हैं और खरीद फरोख्त का 25 करोड़ से लेकर 35 करोड़ की का लालच दे रहे हैं। ऐसे में फिर भी हमारे विधायक कोई बिकाऊ नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है और हमारे विधायक हमारे साथ है, हमारी सरकार को कोई भी गिरा नहीं सकता है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने भी ये ट्वीट करके बताया है कि नरोत्तम मिश्रा डिप्टी सीएम का और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सीएम का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, भोपाल।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.